बनू चैनल के लिए मैं अनुज सक्सेना। आज हमारे साथ हैं बजरंग ढाबा के पास रहने वाली सुमन जी, जो न खुद केवल आत्मनिर्भर बनी है बल्कि और लोगों को भी वो आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। आपने क्या सोच कर शुरू किया था? ये कोर्स मैंने सिर्फ बस यही सोचा था कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, और एक इंटरेस्ट भी था मेरा स्टिचिंग लाइन में, कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, बस इसी को सोच के मैंने अपना कोर्स किया और उसके बाद मैं अपना बुटीक चला रही हूँ। ग्राहकों के लिए आपका क्या मैसेज है? कस्टमर्स देखिए, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ना, वो हमारे लिए एक अतिथि और एक कहते ना अतिथि देवो भव, तो अतिथि ही है वो हमारे लिए, क्योंकि कस्टमर्स से हम कनेक्ट होते हैं और उनसे एक कनेक्शन हमारा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। फैशन डिजाइनिंग में मैं सारे ही वर्क करती हूँ, डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे ड्रेसेस बनाती हूँ, जिसमें लहंगाज है, इंडो इंडियन है, इंडो वेस्टर्न है, वेस्टर्न ड्रेसेस है, डिजाइनर ब्लाउज, डिजाइनर सूट्स है, पैडेट है, टोटल जो भी स्लाइन फैशन रिलेटेड जो भी ड्रेसेस है सारे मैं बनाती हूँ। अच्छा, आप इस कार्य करने के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई आपको? इस काम में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मेन है कस्टमर से हमें कनेक्ट होना, कस्टमर्स की जो कस्टमर क्या चाहता है उस चीज को हमें समझना होता है। मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हमें कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हम कैसे काम करें, उनके इंटरेस्ट को समझना होता है, बस यही मेन प्रॉब्लम यही आती है, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, भविष्य में आप और क्या करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है? भविष्य में फ्यूचर में तो मेरा यही प्लान है कि मैं इसी लाइन में अपना कुछ बड़ा करूँ, कुछ नया करूँ, और मुझे अपने ही ड्रेसेस का फैशन। मैडम, बताया जाता है कि आप कुछ लोगों को आत्मनिर्भर बना रही हैं, तो आप किस तरह से आत्मनिर्भर बना रही हैं? मेरे पास कुछ गर्ल्स, कुछ वीमेंस आती हैं जिनको मैं स्टिचिंग सिखाती हूँ। मेरे पास सिंपल से लेकर डिजाइनिंग तक के कोर्स रहते हैं, जो कि 6 महीने से लेकर 1 ईयर तक के होते हैं, तो उन कोर्सेज को गर्ल्स को सिखाती हूँ। वुमेन्स हैं तो उनको कुछ सीखना होता है, तो कोर्सेज ज्वाइन करती हैं मेरे पास, और उसको सीखने के बाद वो अपने खुद के पैरों पर खड़ी होती है, तो उसके बाद जो चाहे वो सिलाई से रिलेटेड अपने घर पे ही रहकर काम कर सकती है। बहुत सारे बच्चे आए हैं सीख कर गए हैं, उन्होंने अपना काम